जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? कलेश तो हर घर में होता रहता है, लेकिन देखा गया है कि अगर आपके घर में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना खत्म होती जा रही है, तो ऐसी जगहों पे कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी के यहाँ पर कम कलेश है, किसी के यहाँ पर ज्यादा कलेश है, लेकिन आपके घर में पारिवारिक समस्याएं ज्यादा हैं, तो नवरात्रों में खास तौर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक खास अचूक उपाय। अचूक इसलिए कहूंगी कि इसको करने में चूक नहीं होनी चाहिए, और बिना चूके अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपके घर में कितना भी पुराना कलेश क्यों ना चलता आ रहा हो, इसको करने से आप देखेंगे कि आपके घर में शांति होनी शुरू हो जाएगी और पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो भी मनमुटाव है वो खत्म हो जाएगा और मेल होना शुरू हो जाएगा। करना क्या है आपको? आपको स्नान कर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग के कपड़े के ऊपर खुद बैठकर आपने अपने सीधे हाथ में एक मुट्ठी चावल लेने हैं, और चावल लेकर आपने जो मैं चौपाई आपको पढ़ के बता रही हूँ, इस चौपाई का 108 बार जाप करना है। चौपाई है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। इसका उच्चारण आपने 108 बार करना है। सीधे हाथ में चावल ले लीजिए, उल्टे हाथ से आपने घी लेना है, चम्मच में घी ले लीजिए, और घी लेकर एक कटोरी में बोलते बोलते आपने एक बार मंत्र पढ़ा और उल्टे हाथ से घी लेकर उस कटोरी में रख दिया। ऐसे करके आपने 108 आहुति घी की उस कटोरी में दे देनी है। कटोरी में जब घी इकट्ठा हो जाएगा, ये घी और जो आपकी मुट्ठी में चावल है, ये चावल आपने लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपने बेडरूम में अपनी पिलो के नीचे रख लेना है। और जो घी की आहुति आपने दी हुई है, ये नवरात्रों में अष्टमी वाले दिन अपने माथे से टच करके और अपने पूरी फैमिली के सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर माता रानी के मंदिर में जा करके आपने वहाँ पे इसको दान कराना है। दान नहीं कर सकते हैं, अगर कहीं पे हवन हो रहा हो तो आप उस हवन कुंड में भी इस घी की आहुति अपनी तरफ से दे सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन घी का दान आपको अष्टमी पर ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये उपाय आप एक बार करके देखिए, और इस एक बार करने से इस उपाय में आप देखेंगे कि आपको इतना फर्क दिखेगा। एक बार करने के बाद ही आपको लगेगा कि ये उपाय आपको रेगुलर करना चाहिए, और अगर रेगुलर करना चाहे तो इसके जो दिन होते हैं वो यही है कि अष्टमी पर ही आपने इस घी का दान करना है, और या अगर अष्टमी से इस उपाय को शुरू करेंगे तो 14 पे घी का दान कर दीजिएगा। लेकिन नवरात्रों में अगर इस उपाय को करते हैं आप, तो इसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलता है। आगे पीछे करने से मिले ना मिले, लेकिन नवरात्रों में अगर इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसका फल बहुत जल्दी और बहुत तेजी से मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। जय माता दी।